हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मंथन स्मार्ट क्लास। फ्रेंड्स, हमने बीच में ब्रेक कर दिया था, लेकिन अब जो है आपकी क्लास कंटिन्यू हम रखेंगे। तो पॉलिटी के साथ साथ हम सोच रहे हैं कि हिस्ट्री की भी एक वीडियो आप देखें और उसको भी हम बनाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने कंप्लीट बना दिया है और इसका प्लेलिस्ट भी 2-3 दिन में तैयार हो जाएगा, फिर उसे भी वॉच आप कर लीजिएगा। और एंशियंट हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों को हम साथ में लेके चलेंगे। तो फ्रेंड्स, पॉलिटी पढ़ाने के क्रम में हम पढ़ा रहे थे मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, आज ये पढ़ाना था। तो मंत्रिपरिषद की संरचना के बारे में पढ़ते हैं कि मंत्रिपरिषद किसको कहा जाता है और क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। मंत्रिपरिषद, फ्रेंड्स, मंत्री पढ़ने से पहले हम दो आर्टिकल्स जानते हैं, कौन कौन सा, 74 और 75। हालांकि ये बात कही गई है 53 आर्टिकल में कि जो कार्यपालिका की शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में होगी, लेकिन फ्रेंड्स आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करेंगे लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पे। तो आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, आर्टिकल 74 ये कहता है। और ये कहा जाता है कि जो मंत्रिपरिषद है वही जो है हमारे देश का जो कानून बनाने की सर्वोच्च इकाई है वो मंत्रिपरिषद ही है, और इसी के सलाह पे राष्ट्रपति कार्य करते हैं। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे, आर्टिकल 74 में ये वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाएगी। हालांकि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को इनका सलाह मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है, क्योंकि एक बार तो ये विचार के लिए भेज सकते हैं लेकिन दूसरी बार इन्हें बाध्य होना ही पड़ता है। तो इस तरीके से हम याद रखें। और 75 में ये कह दिया गया है कि जो मंत्रिपरिषद होगा उसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इसके अतिरिक्त जितने भी मंत्री हैं उन मंत्रियों की नियुक्ति और शपथ वेतन सारा कुछ फ्रेंड्स आर्टिकल 75 में ही दे रखा है, तो हम याद रखेंगे इस चीज़ को। फ्रेंड्स, मंत्रिपरिषद है लेकिन इसका भी कई पार्ट है, जो कि इसमें भी कई तरीके के मंत्री आते हैं जो पद और राजनीतिक महत्व वेतन भत्ते में अलग अलग रोल होता है। तो देखते हैं इसमें कितने तरीके के मंत्री होते हैं, थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। इसमें फ्रेंड्स 3 टाइप्स के मंत्री होते हैं, कौन कौन से होते हैं इन मंत्रियों के बारे में विस्तृत तरीके से जानते हैं। कैबिनेट मंत्री होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री और उपमंत्री। इस तरीके से मंत्रिपरिषद में 3 तरीके के मंत्री होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। इनका वेतन, राजनीतिक महत्व, पद क्रम अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम कैबिनेट मंत्री के बारे में जानते हैं। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं यही देश के शासन का सर्वोच्च इकाई होते हैं, कौन से होते हैं, सर्वोच्च इकाई होते हैं फ्रेंड्स, सर्वोच्च इकाई होते हैं। इसके अतिरिक्त जितना भी कानून बनाया जाता है इन्हीं मंत्रियों के द्वारा बनाया जाता है। प्रधानमंत्री अलग अलग विभाग दे देते हैं, जैसे गृह मंत्रालय हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं। ये सारे मंत्रालय जो है इस कैबिनेट मंत्री को दे दिया जाता है, जो अलग अलग विभाग से कानून बनाते हैं। और लोकसभा राज्यसभा भी कानून नहीं बल्कि इन कानूनों को पारित करती है। इस तरीके से हम याद रखेंगे, जो सर्वोच्च इकाई होती है वो कैबिनेट मंत्री होते हैं।
तो इन मंत्रियों का क्या काम होता है? फ्रेंड्स, राज्य मंत्री में हम याद रखेंगे दो तरीके से मंत्री होते हैं। जैसे एक मंत्री जो होते हैं कि वैसे तो ये मंत्री जो होते हैं सप्ताह में एक बार बैठक करवाना अनिवार्य होता है, लेकिन जो राज्य मंत्री का और भी मंत्री होते हैं अगर ये प्रपोज करते हैं, इनको बैठक के लिए बुलाते हैं, तो प्रस्ताव रखते हैं बैठक के लिए, तो ये इसमें शामिल हो सकते हैं लेकिन इसमें मत नहीं दे सकते हैं। इस तरीके मतलब सलाह दे सकते हैं, इस तरीके से हम याद रखेंगे। एक जो होते हैं इसमें स्वतंत्र प्रभार होते हैं। इनको जो है जैसे कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, अलग अलग विभाग इन्हें प्रोवाइड कर दिया जाता है, प्रदान कर दिया जाता है, उसी तरीके से जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं उनको अलग विभाग दे दिया जाता है, और इनका जो वेतन है भत्ता है वो लगभग सब मंत्रियों जो कैबिनेट मंत्री हैं उसके समान ही होता है, लेकिन ये कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं, इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। तो ये उपमंत्री का आप क्या काम होता है? फ्रेंड्स, ये जो उपमंत्री होते हैं, एक बात हम ध्यान रखेंगे, जो स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है वो सिर्फ राज्य मंत्रियों में से कुछ मंत्रियों को दिया जाता है, इसमें उपमंत्री शामिल नहीं होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो जो ये मंत्री होते हैं ये भी कैबिनेट का सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं। इसके अतिरिक्त जो उपमंत्री हैं ये राज्य मंत्री को भी सलाह देते हैं और कैबिनेट मंत्री को भी सलाह देते हैं, तो इस तरीके से इनको रखा गया है। तो इस तरीके से हम समझे कि जो कैबिनेट मंत्री होती है वो हमारे देश के शासन की सर्वोच्च इकाई होती है। जितना भी अध्यादेश होता है, आपातकाल होता है, सब इन्हीं लोगों के द्वारा जारी किया जाता है। जो राष्ट्रपति होते हैं वो सिर्फ घोषणा करते हैं। तो हम इस चीज़ को जानेंगे, हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो संसदीय व्यवस्था है, न कि अध्यक्षात्मक। अध्यक्षात्मक में ये होता है कि राष्ट्रपति प्रमुख होता है। हमारा हम लोगों ने राष्ट्रपति पढ़ा तो ऐसा लग रहा था कि जो राष्ट्रपति हैं वही हमारे देश के सर्वोच्च इकाई हैं शासन करने के लिए। हम जानते हैं उन्हें मान्यता ज़रूर दी गई है, यहाँ तक कि प्रथम नागरिक कहा जाता है, एकता और अखंडता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन अगर हम शासन की बात करें तो ये हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है, मंत्रिपरिषद के हाथ में ही होता है, वो मात्र घोषणा करते हैं। तो हम इस तरीके से जाने, आर्टिकल 53 भले ही कहा है कि उसमें कार्यपालिका शक्ति निहित है, लेकिन सब कुछ समझने के बाद हमने इस चीज़ को समझा कि वो नाम मात्र के कार्यपालिका शक्ति है, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति तो प्रधानमंत्री के पास, मंत्रिपरिषद के पास है। अब हम थोड़ा सा और भी जानते हैं इसके संरचना के बारे में। फ्रेंड्स, मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री हो सकते हैं इसका भी वर्णन किया गया है। तो हम याद रखेंगे, जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा का 15%, लोकसभा का 15%। अब इससे ये अनुमान मत लगा लीजिएगा कि जो 15% कह दिया गया है, लोकसभा का 15%, तो लोकसभा से ही मंत्रिपरिषद में जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोकसभा से भी मंत्री जाते हैं, राज्यसभा से भी जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो प्रधानमंत्री हैं वो लोकसभा राज्यसभा में से न चुनकर किसी बाहरी व्यक्ति को भी चुन सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उन्हें 6 महीने के अंदर सदस्यता, किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है, अन्यथा 6 महीने बाद अपने पद से वो स्वतः ही पदमुक्त हो जाते हैं। इस तरीके से हम याद रखेंगे। जैसे कि जो प्रधानमंत्री का जो दूसरा इलेक्शन हुआ था उसमें सुषमा स्वराज का जो हेल्थ था वो अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी जो पीएम थे इसलिए वो इलेक्शन में भाग नहीं ली थी, लेकिन फिर भी जो है उन्हें एक मंत्रालय दिया जा रहा था। हम जानते हैं कि वो चुनी नहीं गई थी, लेकिन फिर भी दिया जा रहा था, क्योंकि हमारे संविधान में ये वर्णन किया गया है कि ज़रूरी नहीं है कि जो है लोकसभा राज्यसभा का मेंबर ही हो, बाहरी व्यक्ति भी मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है, लेकिन शर्त ये है
कि उसे 6 मंथ में, ये जो एक एक पॉइंट है हम याद रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। 6 माह के अंदर उसे ग्रहण करना पड़ता है, अन्यथा वो स्वतः ही उनकी पद समाप्त हो जाती है। तो 15% कितना हो सकता है फ्रेंड्स? हम जानते हैं कि लोकसभा में 2 तरीके से होता है, वास्तविक जो संख्या होती है वो अधिकतम अलग होती है, वास्तविक अलग होती है। लेकिन हम अधिकतम संख्या की बात कर रहे हैं, अधिकतम संख्या, ये सारी चीज़ें हम लोकसभा की जो संरचना हम बता रहे हैं, सारा कुछ हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, हालांकि थोड़ी बहुत हम खींच ले रहे हैं, लेकिन विस्तृत तरीके से जब हम लोकसभा पढ़ाएंगे तभी हम बताएंगे। तो नीड ये है कि आप कंटिन्यू हमारे वीडियो देखिए। हम जो है किसी स्पेशल क्लास नहीं पढ़ा रहे हैं किसी अलग एग्ज़ाम के लिए। ये आज जो हम पढ़ा रहे हैं ये PCS लेवल तक का है। हर एक एग्ज़ाम में ये जो पॉलिटी है पूछी जाती है, और इससे जो है जितना भी मतलब क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आपके क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये क्वेश्चन नहीं मिला है। हमारा पूरा प्रयास होता है कि हम जो है जितना भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें आपको बताएँ। तो इस तरीके से आप जो है कंटिन्यू वीडियोज़ को देखते रहिए। तो इसमें 15% कितना होगा? हम जानते हैं कितना होता है, 552 होता है, 552 होता है अधिकतम। इसको निकालेंगे तो 81% कुछ आएगा, ठीक है। तो इसमें जो टोटल 81 करके कुछ आएगा, तो इसमें टोटल सदस्य जो होते हैं अधिकतम 81 ही हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकते हैं, 82 नहीं हो सकते हैं। पॉइंटों में कुछ है तो पॉइंटों में लोग नहीं होते हैं, इस तरीके से हम याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स हम ये याद रखेंगे कि जो मंत्रिपरिषद होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। सामूहिक रूप से कैसे? जैसे कोई भी मंत्री, जैसे वित्त मंत्री की ही बात करें, कोई बात प्रकट हो जाए, कोई भी मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो सारे मंत्री एक साथ जो है बर्खास्त हो जाते हैं, सारे मंत्री को एक साथ ही पद से हटना पड़ता है। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे जो मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। इसके अतिरिक्त जो मंत्रिपरिषद है उसे लोकसभा में विश्वास बनाए रखना होता है। जिस दिन विश्वास ख़त्म हुआ उसी दिन जो है मंत्रिपरिषद ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये लोग रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है इच्छा अनुसार, तो इसका मतलब नहीं कि जब चाहे तब इसको हटा दें। इसको तब तक कोई नहीं ला सकता जब तक इनको लोकसभा में इनको बहुमत प्राप्त है, इस तरीके से हम याद रखेंगे फ्रेंड्स। और इसमें हम आपको क्या बता दें, इसकी वेतन की बात करें तो इसमें जितना लोकसभा राज्यसभा के मेंबर का होता है उतना इनका भी होता है। ये बात अलग है क्योंकि कुछ जो भत्ते उत्ते होते हैं वो अलग होता है थोड़ा सा। इसके अतिरिक्त हम याद अब रखेंगे कि इनका जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। फ्रेंड्स मंत्रिपरिषद में हम थोड़ा सा जो चीज़ें छोड़ रही थी उसके बारे में थोड़ा सा बता दें, फिर प्रधानमंत्री स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स एक शब्द है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल किसको कहा जाता है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मंत्रिमंडल किसको कहा जाता है मंत्रिमंडल? तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं फ्रेंड्स। जो मंत्रिमंडल होता है वो आम तौर पे लोग मंत्रिपरिषद को मान लेते हैं, जो कि गलत है। मंत्रिमंडल शब्द जो है कैबिनेट मंत्रियों को कहा जाता है। मूल संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है, लेकिन जो मंत्रिमंडल शब्द है 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में मंत्रिमंडल शब्द का यूज़ किया गया था। और आर्टिकल की बात करें तो 352
आप कहेंगे 352 में तो आपातकाल है, इसमें कैसे हुआ? तो फ्रेंड्स हम याद रखेंगे हमारा जो मूल संविधान है उसमें आर्टिकल 395 थे और अब भी हैं, लेकिन उसमें कई क्लॉज बना दिए गए हैं जिसकी वजह से अगर उसको हम गणना करें तो अब लगभग 470 में पहुंच गया है आर्टिकल्स। इसी तरीके से ये क्लॉज में है और ये क्लॉज 3 है। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे पूरे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का आर्टिकल 352 में यूज किया गया है, वो भी मूल संविधान में नहीं था, 1978 में जोड़ा गया था। इस तरीके से हम याद रखेंगे। तो हमने देखा कि जो कैबिनेट मंत्री हैं और अन्य मंत्री हैं इनमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं, काफ़ी कुछ है। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। इन सब का जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो आर्टिकल 74-75 इन्हीं से रिलेटेड है कि जो प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद है उसका जो प्रमुख होगा, प्रधान होगा, वो प्रधानमंत्री होगा। तो प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ते हैं, इनकी योग्यताएं क्या है, इनकी योग्यताएं क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। योग्यताएं के बारे में फ्रेंड्स, जो योग्यताएं लोकसभा और राज्यसभा मेंबर की होती है वही योग्यताएं इनकी भी होती है। हम जानते हैं जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा से भी हो सकते हैं, लोकसभा से भी होते हैं। प्रधानमंत्री नियुक्त ही कौन होता है? जो बहुमत दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। तो लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में से कहीं से भी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। तो इनकी योग्यताओं की बात करें तो हम जानते हैं लोकसभा राज्यसभा की क्वालिफिकेशन जो होती है सेम होती है, अंतर जो होता है वो इनके उम्र की होती है। उम्र के अंतर क्या होता है कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा से हैं तो उनकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, अगर वो राज्यसभा से हैं तो 30 वर्ष की होनी चाहिए। इस तरीके से हम याद रखेंगे। जितना भी ये कार्यकाल था प्रधानमंत्री का, मंत्रिपरिषद का, हम जानते हैं ये जो है राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत रहते हैं, जब तक मतलब पश्चात पर्यंत रहते हैं। इसके अतिरिक्त अगर सब कुछ ठीक रहा तो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है आमतौर पर 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। तो हम इस तरीके से याद रखेंगे। अब हम इसकी शक्तियों के बारे में बात करते हैं, प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में। फ्रेंड्स इनकी जो शक्तियाँ होती हैं कई तरीके में हम देख सकते हैं। मंत्रिपरिषद के रूप में, मंत्रिपरिषद में इनको कैसी शक्तियाँ मिली हुई हैं? फ्रेंड्स जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, जितने भी मंत्रिपरिषद के मंत्री होते हैं सारे मंत्रियों को, जिनको भी, हालांकि हम जानते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन ये जिस प्रधानमंत्री जिस किसी को भी कहेंगे मंत्रिपरिषद नियुक्त करने के लिए, राष्ट्रपति को उन्हीं को नियुक्त करना पड़ेगा। तो ये इनको शक्ति दी गई है कि किसी को भी मंत्रिपरिषद का सदस्य ये बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो मंत्रालय होता है वो हेर फेर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो जो प्रधानमंत्री हैं मंत्रालय के हेर फेर के अलावा किसी भी मंत्री को किसी भी समय राष्ट्रपति से कहकर जो है इनको हटा सकते हैं, त्याग पत्र देने के लिए कह सकते हैं। तो जो वास्तविक शक्ति है तो देखा जाए वो प्रधानमंत्री के पास ही है। इसके अतिरिक्त ये तो मंत्रिपरिषद के रूप में रहा। अगर हम बात करें राष्ट्रपति के रूप में, मतलब राष्ट्रपति के रूप में नहीं, सॉरी, हमारे कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति के संबंध में कौन कौन सी शक्तियाँ इन्हें प्राप्त हैं। तो राष्ट्रपति के संबंध में अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति इनका मतलब आर्टिकल 78 कहता है कि इनका ये कर्तव्य होता है, इनका कर्तव्य होता है कि जितना भी शासन से संबंधित जानकारियां हैं
वो राष्ट्रपति को दें ये। इसके अतिरिक्त जितनी भी राष्ट्रपति नियुक्तियां करते हैं, जैसे लोक लेखा परीक्षक हुए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हुए, यूपीएससी के अध्यक्ष हुए, महान्यायवादी हुए, तो ये जितने भी हुए ये राष्ट्रपति हालांकि नियुक्त करते हैं, लेकिन किसकी सलाह पे करते हैं? प्रधानमंत्री के सलाह पे करते हैं। इसके अतिरिक्त जो हम लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति जो है संसद का जो बैठक करवाते हैं वो यही करवाते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो सत्र की बैठक होती है, सत्रावसान होता है, सब इन्हीं के सलाह पे की जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो प्रधानमंत्री हैं काफ़ी पावरफुल हैं। इसके अतिरिक्त हम ये अनुमान लगाए बैठे होंगे कि जो प्रधानमंत्री हैं इनको वेतन बहुत ज़्यादा मिलता होगा, क्योंकि राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए मिलते हैं, 5 लाख रुपए मिलते हैं, तो ये देखा जाए तो इनके पास तो बहुत सारी पावर है, इनका तो वेतन बहुत अधिक होगा। तो ये हम गलत सोचते हैं, क्योंकि जितना संसद के सदस्यों का वेतन होता है उतना ही प्रधानमंत्री का भी होता है। ये बात अलग है कि कुछ वेतन भत्ते इन्हें अतिरिक्त दिया जाता है, तो कितना होता है उनका हम याद रखेंगे। अगर हम टोटल काउंट करें, अलग अलग चीज़ों में दिया जाता है, चुनाव का अलग, बैठक का अलग, अगर हम काउंट करें तो करीब 2,60,000 रुपए प्रति माह दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम ही है इतना वेतन, कुछ भत्ते वत्ते जो है इनको अतिरिक्त दिया जाता है। इस तरीके से हमने देखा। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा फ्रेंड्स, वो होगा